हाय फ्रेंड्स, आज हम किर्लोसर का KDS 1.514 मॉडल का कंप्लीट पार्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। उसमें हर एक पार्ट में निकाल कर दिखाते हैं कौन पार्ट कहाँ लगा था। हम पूरे से कंप्लीट इंस्टॉल करने वाले हैं शुरू से। सबसे पहले ये मैकेनिकल सील का स्टेशनरी पार्ट है। अभी हमने जहाँ से निकाला था वही इसको अंदर ये फिक्स होता है। आपको दिखाने के लिए मैंने वहाँ से निकाला ताकि शुरू से बता सकूँ आपको। यही सही लगा होता है और उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं इसको। ये रेड वाला पार्ट ऊपर होता है, वैसे हमें इसको उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। मैकेनिकल सील का ये स्टेशनरी पार्ट है, उसको ऐसे दबा दिया उसके अंदर ये फिक्स हो गया जाकर। और मैकेनिकल सील बदलना हो तो हम ऐसे ही बदल सकते हैं। मैकेनिकल सील बदलना और किसी पंप का मैकेनिकल सील कट जाए या चेंज करना हो किसी कारण वास्तव में ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे ये शाफ्ट है, ये रोटर लगा हुआ है, ये वाटर सेपरेटर है जो स्टफिंग बॉक्स के बीच में होता है। ये मैं आपको दिखाएंगे कहाँ पर लगा रहता है, ये आपको भी दिखाएंगे। ये वाटर सेपरेटर पंप से मोटर में पानी जाने को रोकता है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में लगा हुआ रहता है ये, ताकि पंप से कोई पानी मोटर में ना जाए। उसके लिए इन दोनों के बीच में लगा रहता है, जैसे अभी लगा रहे हैं हम, और अंदर से शाफ्ट को लगा रहे हैं। इसको शाफ्ट अंदर जाने में थोड़ा हम इसको ठोक देंगे तो जो बैरिंग है अपना बैरिंग हाउसिंग जाकर बैठ जाएगा। ये बैरिंग अपना शाफ्ट जो अपना बैरिंग हाउसिंग है उसमें जाकर बैठ गया, वहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया। ये भी देखिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ऐसा ही बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए शाफ्ट। ये आपका मोटर का स्टैटिक पार्ट है तो ये फिक्स होता है। इसके अंदर कॉइल बैंडिंग होता है, इसके अंदर हम रोटर को लगा दिए। और ये शाफ्ट इसके अंदर चला गया। जो सही डायरेक्शन में हमने कर दिया,
इसके बाद इसमें ये स्टड लगा होता है, स्टड को मैंने टाइट कर दिया फिक्स उसके फिक्स जगह पे, ताकि मोटर का जो स्टैटिक पार्ट है जो इसमें वाइंडिंग हो वो घूमे नहीं। इसमें चार स्टड लगा होता है, अभी हमने दो टाइट कर दिया। इसके बाद में ये मैकेनिकल सील का रोटरी पार्ट है, इसको हम लगा रहे हैं। इसके बाद हम बुश को डाल रहे हैं ताकि इसको दबा कर रखें। ये व्हाइट कलर का बुश है। इसके बाद इंपेलर को लॉक करने के हम की लगा रहे हैं, इंपेलर लॉक की लगा रहे हैं। इसके बाद हमें ये इंपेलर लगा रहे हैं, जिसका प्लेन पार्ट होता है वो अंदर होता है, जो ये निकला हुआ पार्ट है वो बाहर आता है। उसके बाद में इसको नट को हम टाइट कर देते हैं, 19 नंबर का नट लगता है इसमें, 19 नंबर नट को हम टाइट कर दे रहे हैं। थोड़ा झटका मार दे ताकि नट पूरा प्रॉपर बैठ जाए, नट ना खुले जब मोटर रन करे। तो इसके बाद ये हम केसिंग लगा रहे हैं, ये पंप का केसिंग है। इसको थोड़ा ठोक दिए ताकि ये प्रॉपर जाकर केसिंग अपना बैठ जाए स्टफिंग बॉक्स में। इसके बाद इसमें चार नट लगा होते हैं, 17 नंबर का, चारों नट को हम टाइट कर देंगे स्टड में, अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि लीकेज कहीं से ना का हो। अगर यहाँ हम अच्छी तरह से नट टाइट नहीं करेंगे तो एयर लीकेज करेगा, तो आपका मोटर पंप आपका काम नहीं करेगा। केसिंग टाइट करने के बाद हम पीछे का बैक कवर लगाएंगे। ये पीछे का बैक कवर है, इसके अंदर ये बेयरिंग हाउसिंग भी है और ये बेयरिंग स्प्रिंग है।
इसमें तो हल्के हल्का चोट से इसको ठोक देंगे, प्रॉपर ये बैठ जाए। इसी वक्त चारों स्टैंड में हम नट को टाइट कर देंगे। चारों नट टाइट करने के बाद हम इसको फैन लगाएंगे, जो फैन मोटर कूलिंग करने का काम करता है। अगर ये फैन नहीं लगा रहेगा या फैन नहीं घूमेगा तो मोटर आपका जल जाएगा, ओवर मोटर ओवर हीट होगा और मोटर आपका जल जाएगा, इसलिए फैन लगाना बहुत ज़रूरी है। फैन को लगाने के बाद हम चीरा पिन लगा देंगे ताकि फैन अपन जब हाई स्पीड में रन करें तो फैन शाफ्ट से बाहर ना निकले।